बीते दिन सीएम रघुवर दास के द्वारा दिए गए भाषण में आपत्तिजनक भाषण पर झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी ने की इसकी कड़ी निंदा। उन्होंने कहा कि सीएम को अपना बयान वापस लेना चाहिए। इसी साथ झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मंगलवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बयान को वापस लें, अन्यथा मानहानि का मुकदमा झामुमो द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मधुपुर के गांधी चौक पर आम सभा में मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हाजी हुसैन अंसारी के कार्यकाल में हज हाउस में बड़ा घोटाला हुआ है। हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हज हाउस का शिलान्यास 2007 में हुआ था तब कांग्रेस झामुमो आरजेडी समेत निर्दलीय के समर्थन में बने तत्कालीन मुख्यमंत्री मधुकोड़ा सरकार, केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस के प्रभारी नूर बानो, गुरुजी स्टीफन मारांडी द्वारा किया गया था। झारखंड की तत्कालीन कल्याण मंत्री जोबा मांझी व हज कमेटी की देखरेख में काम हाउसिंग बोर्ड को दिया गया था। उस समय मैं शिलान्यास समारोह में उपस्थित था। मैं 2005 में चुनाव हार गया था। आरोप लगाया कि हज हाउस पे जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर क्या कहना है आपको सर? कल माननीय मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद योजना कार्यक्रम के तहत मधुपुर पहुंचे हूँ और एक आम सभा गांधी चौक में किए हूँ। उस दरमियान उन्होंने हज हाउस के बारे में बात किए और सारा इल्जाम वो मेरे ऊपर थोपे। जो हाजी हुसैन अंसारी अपने मंत्रित्व काल में हज हाउस में बड़ा घोटाला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री से हमें कहना चाहेंगे कि उसको होश में है कि बदहोश में है पता नहीं। जो किस हाल में से जवाब दिए, 2007 में उसका शिलान्यास हुआ है, माननीय मधुकोड़ा जी उसमें मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें सब मधुकोड़ा जी को प्लस कुछ निर्दलीय साथियों ने उसका समर्थन किया था, पूर्व मुख्यमंत्री में थे। 2007 में माननीय मधुकोड़ा जी, केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी और प्रभारी थे कांग्रेस के यहाँ पर नूर बानो लोग प्लस झाकर मूर्ति मूर्ति हमारे माँ गुरु जी स्टेफन मंडी, ये सारे लोगों ने मिलकर 2007 में इसका शिलान्यास किए। इसका एस्टिमेट था 4,88,00,000 और ये काम जोबा मांझी जी जो उसमें कल्याण मंत्री थी जिसकी जिम्मेदारी में हज मैंने हज कमेटी और सारा स्कीम था जिसके जिम्मेदारी में ये काम करने की जिम्मेदारी उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को दे दिया। हाउसिंग बोर्ड का उसमें चेयरमैन मजम अंसारी हुआ करते थे। उस समय जब मेरे पर जो इल्जाम लगाया था कुछ भी नहीं थे, हम हरा भर विधायक थे वहाँ पर, हम उसे शौक से देखने गए थे, तीसरा पंद्रह में पीछे ताली बजाने बैठे हुए थे, क्योंकि हज हाउस से हमको भी अकीदत था जो चलिए राखे में हाउस बन रहा है देखने गए थे और हम तो 5 में ही चुनाव हार गए थे, उसमें कुछ थे कहाँ हम। और इसका लगातार काम हज हाउस ये हाथ से बोर्ड वर्क करते रहा, काम होते रहा। बीच में 2009 में इसका पोटिको गिर गया था, वो उसमें इंक्वायरी की बात आई, इंक्वायरी हुआ लेकिन उस पर हम लोग का कोई कहीं कुछ नहीं है, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, कुछ करने का नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम 2010 में मंत्री बने जब हमारे माननीय गुरु जी बने, उस समय 2010 में हम मंत्री बने थे, उस समय हम तो क्या कल्याण दिया गया था लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं। 2008 में इसका पोटिको गिरा और उसकी जांच उसका इंक्वायरी बैठा, जांच उसमें हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो कहा कि 4-8 करोड़ में घोटाला हुआ उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ उसमें है ही नहीं, उसको या तो होश में नहीं थे या उसको सही जानकारी नहीं है, हमारा उसमें कुछ हम तो उसमें कुछ थे ही नहीं, हम तो कुछ किए कहा। गिरा है वो 8 में, 9 में उसका पोटिको गिरा है, इंक्वायरी बैठा उसमें, जाँच हुआ और उसको फिर दोबारा ही सरकार ने बनवाया, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें मेरे मंत्रित्व काल में
उसमें कहीं कुछ काम नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ ना, हम उसमें कुछ किए। इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जो बोले हैं सरासर गलत बात है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जानकारी मैं अभी भी मैं कहना चाहूँगी, जानकारी लेके बोलिए कि क्या काम हुआ था क्या नहीं हुआ है, हम उसमें कहीं कुछ नहीं है। हमारा जो बोला ये बोले कि मंत्री काल में जो उसमें मंत्री हैं कहाँ, हम तो हरा हुआ विधायक थे, उसमें कहीं कुछ थे ही नहीं। मेरे पर इल्जाम लगाना सरासर गलत बात है, ऐसा बात छोटा छोटा बात बोल के जनता को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ एक नेता जो है कद्दावर नेता, वो ठीक है, अच्छी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग हैं। और उसमें और इधर जो झारखंड में बताया जो साल साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सब साथ लुटाया झारखंड को, उनसे उनको हम लोग कहना चाहेंगे जो बीच में झारखंड अलग हुआ, हम लोग झारखंड अलग बनाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा राज किया कहाँ है। दो मरतबा कुछ दिन तक हमारे माननीय गुरु जी रहे चेचे मैना, और 14 माह हमारे हेमंत जी रहे, उसको मौका मिला कहाँ का। ये जो कुछ किया है पूरे झारखंड में 14 साल तो यही हुकूमत किया है, यहाँ पर 20 साल की बेसी हो गया, यहाँ 4-5 साल दूसरा हुकूमत किया, बाकी यही हुकूमत किया। जो कुछ करना रोड घरों जो करना है ये भाजपा वाले किए हैं। इसे ये सब जो बोलना झूठ इल्जाम लगाना करते हुए हम उसका मुकाम भी करते हैं कि जाँच कर ले, अगर हम करते किए तो उसमें कमीशन बैठाए। और खाली बोल देना ये हुआ है, जैसे भी इसकी बात बोल रहे हैं 500 करोड़ का हेमंत जी घोटाला किए हैं, हेमंत जी तो चैलेंज किए हैं कि अगर हम घोटाला किए हैं तो हमको जेल में होना चाहिए। और झूठ बोलो क्यों बोलते हैं कमीशन, उनका उसका सबूत आप है, आप सरकार में मुँह से कह दें, कलम से दीजिए, आदेश दीजिए, अगर हेमंत जी को जेल भेजेंगे तो कहाँ से झूठ बोल। ये सब बोलकर घुमराह मत कीजिए, आपकी ज़मीन खिसक चुकी है, लंबा लंबा बात कर से कुछ होने वाला आपका नहीं है। जनता आपका बात को जान चुकी है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इंतजार कीजिए, चंद दिन आपके मेहमान हैं, उसके बाद फिर आपका पता नहीं चलेगा। जो आप जो कारनामा किए ये जनता आपसे हिसाब लेगी, आपने क्या किया है 5 साल में, खाली बकवास करके और होश और हवास में बिना रहे क्या किए, ये सारी जनता हिसाब से लेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर इंक्वायरी करें और देखिए इसको सही में क्या हुआ है। अभी भी हम टैंक करते हैं जो पता लगाए जो 2007 में हम क्या थे कहाँ थे, मेरे पर तो मत क्यों लाया गया, हम उसका कुछ भी नहीं थे, मधुकुमार जी के सरकार में सारी बात हुई थी। जो भी बात की एकदम सरासर गलत बात है, इसमें बात नहीं बोलना चाहिए, या तो पता नहीं जो होश में बोले कि बदहोश में बोले, पता उसको है कि नहीं।